हाँ तो देखो बच्चे, ये भारत का मैप है। हमने ऐसे ही एक स्टूडेंट से बोला है, बढ़िया बनाया है, बहुत मज़ा आया। तो देखो भाई, भारत का मैप ठीक है ना, इस समय पुष्ट गुप्ता समय में भारत का मैप किस तरह से है। तो कहानी ये है कि गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो चुकी है। जब गुप्ता एम्पायर डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी है तो छोटे छोटे डायनेस्टियाँ जो है, वंश जो हैं, वो उत्पन्न हो रहे हैं ठीक है ना। और उसका कारण क्या है कि देखो भैया, तुमको बताया था सामंतवाद से उत्पन्न होता है गुप्ता, ठीक है ना। और वही सामंत जो है, गुप्ता जब ख़त्म हो जाता है तो फिर सामंत खड़े होते हैं और अपने अपने जगह पर क्या कर देते हैं, स्वतंत्र रूप से शासन प्रारंभ कर देते हैं ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ऐसे नीचे आना चाहिए था लेकिन ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हरियाणा है भाई, हरियाणा है और ये है थानेश्वर, यहीं पर है कनौज ठीक है। ऊपर इधर असम पहुंच जाओगे, असम, नीचे आपके बंगाल है, यहाँ पे बंगाल इसको मान लो, इधर ही मान लो बंगाल। और ये बंगाल में आपके हैं छेदी डायनेस्टी, गौड़ा डायनेस्टी का शशांक, गौड़ा शशांक, समझ में आया। यहाँ पर आपके बल्लभी, बल्लभी, और यहाँ पर मौजूद है आपके ध्रुव भट्ट, लिखते जाओ ये ध्रुव भट्ट। इसके नीचे जो है नर्मदा है ये, और नर्मदा से यहाँ पर जो शासन कर रहा है वो चालुक्य कर रहा है, चालुक्य। नीचे पल्लवंश है, इसके नीचे आपके पांड्या राज कर रहा है, और यहाँ पर मौजूद है आपके चेर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखो, जब महान गुप्ता डायनेस्टी खत्म होती है तो ये छोटे छोटे सामंत जो है ना, अपने स्वतंत्र रूप से अपना राजा बनाते हैं अपने अपने जगह पे, ठीक है ना। थानेश्वर पे कौन रहता है, पुष्यभूति, पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी बेटा जानते हो कौन है, यहीं पर हर्षवर्धन होगा ठीक है ना, द ग्रेट हर्षवर्धन ठीक है ना। कनौज पे एक शासन करता है मखरी, मखरी डायनेस्टी लिखते जाओ, यहीं पर मालवा है ठीक है ना, मालवा में गुप्त, देवगुप्त, देवगुप्त, समझ में आए। हर्षवर्धन काल में ये सारे राजा रहते हैं ठीक है। शशांक रहता है बंगाल में ठीक है ना, असम में कुंभ रहते हैं भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन लिखते जाओ, भास्कर वर्मन। पालवा में महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, और पांड्या राज में रह ठीक है ना, पांड्या और चेरा ठीक है। ये हो गया चालुक्य में पुलकासिन, पुल कासे, हाँ द्वितीय, सेकेंड, समझ में आए। देखो ये सारे डायनेस्टियाँ, छोटी छोटी डायनेस्टियाँ ठीक है ना। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर्षवर्धन काल में आपको देखेंगे यहीं पर कहानी है, और इसी कहानी से आपको समझ में आएगी कि हर्षवर्धन ने कैसे अपने आप को बढ़ाया। देखो हर्षवर्धन को उत्तरपति, उत्तरपथपति कहा जाता था, मतलब उत्तर के अशोका भी है, उसको उत्तर का अशोका भी कहा जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन ठीक है ना। तो हर्षवर्धन की कहानी है ये पुष्यभूति डायनेस्टी का है, लेकिन ये गुप्ता के बाद इतने सारे डायनेस्टियाँ खड़ी हो गई थी ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था गुप्ता डायनेस्टी आपके, समझ में आया ठीक है ना। अब देखो थानेश्वर में पुष्यभूति डायनेस्टी ठीक है ना, अब बात ये आई कि गुप्ता ख़त्म कैसे हुआ है।
कुछ तो कारण होगा गुप्ताओं को ख़त्म होने से, तो कुछ कारण थे जहाँ से गुप्ता जो है वो डिक्लाइन कर गया और ख़त्म हो गया। सबसे मेन जो कारण था, यहाँ पर लिखते जाओ गुप्ता का डिक्लाइन का कारण, डिक्लाइन क्या कारण था गुप्ता का, तो सबसे पहले था हूणों की आक्रमण, ठीक है ना, हूण अटैक। बता रहा हूँ बेटा, देखो हूण मैंने बताया था बहुत ही ट्राइबल खतरनाक लोग थे, वो बार बार एकदम गुप्ता में स्कंद गुप्त ने हूणों को पूरी तरह ख़त्म किया था, लेकिन स्कंद गुप्त के बाद हूण फिर वापस आते हैं, हूण छोड़ते नहीं हैं, हूण ही बर्बाद करते हैं गुप्ताज को, समझ में आए। और मैं तुमको बता रहा हूँ अभी भी यहाँ थानेश्वर के पास पुष्यभूति देखना, हूणों को समाप्त करेगा, ठीक है ना, ये बार बार अटैक करते हैं। हाँ, लेकिन ये बार बार अटैक के कारण, ये अटैक जो था हूणों का, ये कारण बना गुप्ताओं को ख़त्म होने में। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी बार बार अटैक करेगा तो आर्थिक नुकसान होगा, जब आर्थिक नुकसान होगा तो भाई वो साम्राज्य जो इतना बड़ा है और आर्थिक नुकसान हो रहा है, सेना को बार बार आपको लड़ाई में जाना पड़ रहा है, तो उसका मनोबल भी गिर रहा है, ठीक है ना। तो हूणों के अटैक इतनी ज़्यादा थी, इसके चलते जो ये डायनेस्टी थी गुप्ता डायनेस्टी, ये पूरी की पूरी बाद में चल के स्कंद गुप्त के बाद ये धीरे धीरे इतने बड़े राजा नहीं निकले, कमज़ोर राजा हुए और आर्थिक इतना नुकसान हुआ कि हूणों के अटैक के चलते वो गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म हो गया और टूट गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी दबाया था, खत्म तो कभी पूरे हुए नहीं, दबाया था मतलब भगाया था, हाँ, लेकिन वो हूण कभी एकदम ही वो अटैक बार बार, उसके बाद भी कुमार गुप्त के समय भी अटैक करते हैं, स्कंद गुप्त के समय भी करते हैं, और स्कंद गुप्त सबसे ज्यादा, मैंने बताया था स्कंद गुप्त के समय सबसे ज्यादा उसने इन हूणों को वापस भगाया था, लेकिन जब भी हूण देख रहे थे कि यहाँ पर साम्राज्य जो है कमजोर पड़ रही है तो अटैक करना प्रारंभ कर देते हैं। इस बार भी तो बहुत महान राजा आया था हेमचंद्र, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य, ना वो हेमचंद्र विक्रमादित्य बेटा वो अकबर का समय हेमू का, अभी हूण कहाँ, तुम कहाँ लेकर चले गए, मेडिवल को प्राचीन को मेडिवल में मत जोड़ो, गलत हो जाएगा सब, यहाँ समझो। तो हूण एक कारण था गुप्ता का डिक्लाइन का, समझ में आया। दूसरा चीज है कि जो कमजोर राजा, वीक राजा, कमजोर राजा हुए, ठीक है ना, बाद में स्कंद गुप्त के बाद, उसके चलते जो गुप्ता एम्पायर जो है वो धीरे धीरे क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया। तीसरा सबसे बड़ी समस्या हुई समंतवाद की, जो आगे की कहानी है, समंतवाद की जो कहानी है जो सातवाहना से प्रारंभ होता है समंतों का, और समंत कौन थे जो बताया था मैंने बेटा, समंत कौन थे, समंत वो थे जहाँ पर राजा भूमि दान करता था, राजा के लिए वो सेना इकट्ठा करता था और धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करते चला गया। सातवाहन में कौन ऐसा राजा था जिसने काम किया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, बुधों को भी दान दिया था, बुध के बुद्धिज्म के अलावा वो लैंड दान, बहुत भूमि, एकदम सामंत से ही प्रारंभ होता है सिमुख, पहला सामंत, लेकिन ये टूटता है तो सामंत तो बरकरार है, यही सामंत है सब, ये टूटते हैं और टूट के क्या करते हैं, अपना अपना स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं। मेरे बात समझ में आ रहा है ते? सबसे पहले थानेश्वर पुष्यभूति, ये पुष्यभूति भी कमांडर हुआ करते थे गुप्ताज में, समझे ना। तो देखो कैसी कैसी डायनेस्टी आ रही है, यहाँ पर पुष्यभूति, कौनौज में मखरी, ठीक है ना, असम में भास्कर वर्मन है मौजूद, बंगाल में गौड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर देवगुप्त है, समझ में आए। इसको गुप्ता के ही वंशज कहा जाता है मालवा में अपना, मतलब ये कहा जाता है, इसमें तथ्य बहुत। गुप्ता साउथ में नीचे तो नहीं उतर सका था गुप्ता, क्या समुद्रगुप्त को बताया नहीं था, समुद्रगुप्त के क्या बताया था, समुद्रगुप्त का जो विस्तार नीति उसमें बताया था दक्षिणा पथपति, हाँ, जो दक्षिण को भी विजय प्राप्त किया था, ठीक है ना, तो नीचे तक गया था, बहुत बड़ा साम्राज्य थी, मेरे बात समझ में आ रहा है, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत के स्वर्णिम काल है। अब भारत का स्वर्णिम काल क्यों है बेटा,
क्योंकि साइंस का, आर्ट एंड कल्चर का क्या हुआ था, विकास हुआ था। आगे की कहानी सुनो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये डिक्लाइन का कारण था गुप्ता का, ठीक है ना। गुप्ता के डिक्लाइन के बाद थानेश्वर में पुष्यभूति ने क्या किया, हूणों के आक्रमण बेटा भी अभी भी हो रहा है। क्या हो रहा है, हूणों की आक्रमण, और हूणों के आक्रमण को दबाया था कमांडर इन चीफ पुष्यभूति ने, ठीक है ना। और पुष्यभूति थोड़ा मजबूत हो गया, ठीक है ना। अब पुष्यभूति का थोड़ा सा इस डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो पुष्यभूति इनका पहला राजा पुष्यभूति, उसके बाद इनका बेटा था प्रभाकर वर्मन, प्रभाकर वर्मन, और प्रभाकर वर्मन के तीन दो बेटा और एक बेटी, राज्यवर्मन, दूसरा हर्षवर्धन, और तीसरा एक बेटी थी जिनका था नाम था राजश्री, ठीक है। कहानी इन तीनों का है, इसलिए तीनों को जाना जरूरी है, ठीक है ना। कहानी समझो, तो थानेश्वर में ये सम्राज सौरभ, ठीक है ना। थानेश्वर में पुष्यभूति, प्रभाकर वर्मन और उनके तीन, और इनका, अब देखो ये बड़ा बेटा थे प्रभाकर वर्मन का, राज्यवर्मन, और यही राजा भी। अब इस बंदे ने 16 साल के उम्र में राजगद्दी दोनों संभाले हैं, राजवर्मन और हर्षवर्धन दोनों। जब उम्र के दोनों अपने अपने सोलहवा में आते हैं तो इन्होंने राजगद्दी संभाल लेती है। आजकल के 16 साल के लड़के जो हैं वो आप देख लो कहाँ रहते हैं, चाय पट्टी पे। और इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर दी। हाँ जी, अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ, रहो, अभी ट्विस्ट आएगा। अभी कैसे ट्विस्ट ला दोगे, कहानी में तो अभी है। तो इसलिए तो ये सारे मैप क्यों बताया था मैंने, तो देखो देखो कहानी। तो ये एक देख लिया, दूसरा देखो थोड़ा मालवा का। मालवा में कौन है, ये सबको देखना बहुत जरूरी है। मालवा का राजा है महासेन वर्मन के तीन पुत्र, महासेन गुप्त नाम है इनका, गुप्त देव, गुप्त कुमार गुप्त और माधव गुप्त। कहानी है बेटा, बहुत भयानक कहानी है, मजा आ जाएगी हर्षवर्धन में। हर्षवर्धन की कहानी एक ऐसा राजा की जो जीवन भर दुखी दुख देखता रहा है, तब भी महान राजा बना। तो ये कहानी उस महान राजा की है, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, शायद हर्षवर्धन से ज्यादा किसी को कष्ट हो तो फिर हमको बताइएगा, ठीक है। तो देखिए ये मालवा पे खड़े हैं, ठीक है ना। अब तीसरा है मखरी डायनेस्टी कनौज का, और यहीं पर हैं ग्रह बर्मन। मेरे बात समझ में आए, ठीक है। अब ग्रह बर्मन देवगुप्त यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए जो राजश्री हैं इनकी शादी होती है किससे, ग्रह बर्मन से। बर्मन नहीं, देखो क्या होता है कि ये कुमार गुप्त और माधव सेन, महासेन गुप्त का अच्छा रिलेशन होता है प्रभाकर वर्मन से, उनके पिताजी का देवगुप्त का, और इसीलिए कुमार गुप्त और माधव गुप्त ये दोनों हर्षवर्धन के साथ खेले कूदे होते हैं बचपन से ही। दोनों किसके साथ रहते हैं, ये हर्षवर्धन के साथ। लेकिन इनका जो ये बड़ा बेटा था ना, ये बेताल था, ये नफरत करता था हर्षवर्धन से और राज्यवर्धन से। अरे बात समझ में आए मालवा, ठीक है ना। तो राजश्री का शादी हुआ किसे, ग्रह वर्मन से। खड़ा यहां मालवा पे कौन है, देवगुप्त। और राजा जब बना उस समय राजा कौन था, राजवर्मन।
अब राज्यवर्मन क्या होता है, 16 साल उम्र में राजगद्दी पर बैठते हैं, शादी होती है राजश्री का, और देवगुप्त बदमाश इसने अटैक कर देता है कहां पर, मकरी पे, कनौज पे, और हरा देता है ग्रह वर्मन को। हरा ही नहीं देता है, वो मार भी देता है, इसको बंदी बना लेता है राजश्री को। अरे देवगुप्त के बारे में कहानी तो ऐसा है बेटा कि देवगुप्त इतना बेताल आदमी था कि वो क्या करता था कि दो घोड़े के बीच में लोगों को बांध के और दौड़ाता था जब तक कि वो टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, इतना बेताल आदमी था देवगुप्त। मतलब क्रूरता के सारे हदें पार कर देता था ये देवगुप्त, और उसने ऐसा ही किया, ग्रह वर्मन को क्या किया, मार के, और राजश्री जो है उसको क्या किया, बंदी बना लिया। एक चीज और था कहानी में ट्विस्ट, कि भैया देवगुप्ता ने संधि कर रखी थी किसके साथ, बंगाल के गौड़ा के साथ। ये देखो कहानी रिलेशन, शशांक के साथ, कि भैया तुम पे कोई अटैक करेगा तो मैं आऊंगा, मेरे पे कोई अटैक करेगा तो तुम आना। इतना बदमाश चाइना था, वो चाइना चारों तरफ घेरता था, वो समझ में आए, ठीक है। तो शशांक के साथ क्या कर लिया था, संधि कर लिया था। अब देखो राजवर्मन जाते हैं, और राजवर्मन क्या करते हैं, यहां से देवगुप्त को हरा देते हैं, और देवगुप्त को हरा के उनको मार भी देते हैं, और उनको छुड़ा भी लेते हैं अभी तो, ठीक है ना। लेकिन यहां क्या होता है ना, कि यहां पता चलता है प्रभाक वर्ण जो है वो बीमार होते हैं, मरने के कगार पे होते हैं, फिर वापस आता है। लेकिन यहाँ तब तक तो शशांक को पता चल जाता है बेटा, और शशांक क्या करता है, दौड़ के अटैक, क्योंकि ये संधि थी, इस संधि के चलते उसने क्या किया, अटैक कर दिया, और अटैक करा। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इसको राजवर्मन को मारा था वो, मतलब एक तरीके से बदमाशी करके, डायरेक्ट वार में नहीं हारे हैं राजवर्मन, ये हारे हैं घात से। इसके भी कहानी है, हर्षचरिता में कहानी है, और ऐसे कहा जाता है कि हर्षचरिता ये कहता है कि बोला कि हमारी बेटी जो है ना वो प्रभु आपको बहुत पसंद कर रही है, समझ में आए, वो आगे उसके उसमें, ठीक है ना। और वहाँ जाता है, बुला के लेके जाता है वहाँ पे, और खोब देता है, राजवर्मन मर जाते हैं। अब देखो कितनी कहानी ट्रेजिक है, इधर प्रभाक वर्मन मर जाते हैं, प्रभाकर वर्मन भी मर जाते हैं, पिताजी भी मर गए, हैं बेटा, बड़े बेटा भी शहीद हो गए। तीसरा युद्ध में हारता है ना, इसकी वाइफ जो रहती है, कौन, राजवर्मन की वाइफ कौन रहती है, राजवर्मन की वाइफ नहीं रहती है, जिससे फिर हर्षवर्धन शादी कर लेता है। नहीं बेटा, फिर तुम चंद्रगुप्त द्वितीय में, तुम बार बार चंद्रगुप्त द्वितीय को क्यों पहुंच जाते हो, उसे प्रेम इतना समझा दिया हूं कि तुम्हारे ऊपर वही नाच रहा है, उसने अपने भाई को मारा था, वो लड़की का नाम क्या रहा था जिसके साथ, तुम ध्रुवदेवी, अब वो कहानी मत, तुम कहां से कहां बेटा कहां जोड़ दोगे, गुप्ता से हटो, यहां पर आओ, ये अपने बाप, ये दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। एक चीज बड़ा मजेदार है, देखो मामा जो है, मामा की कहानी आती है, इस संसार में दो ही मामा हुए बेटा, एक शकुनी मामा और एक भंडी मामा। शकुनी मामा गलत तरीके से लोग जानते हैं उनको, जो कि चक्रव्यूह रचते थे, दिन भर जो है षड्यंत्र रचते थे, और दूसरा मामा हुए भंडी, जो हर्षवर्धन को हर्षवर्धन बनाया। मेरे बात समझ में आ रहा है, भंडी ये बहुत जाना जरूरी है। देखो इतिहास में जिस बंदों की कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो, उस बंदे के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो दो तरीके की मामा, एक शकुनी और दूसरी भंडी, और ये भंडी के साथ रहा करते थे हर्षवर्धन। तो भंडी ने सलाह दिया कि बेटा बैठो, 16 साल के एज में कहाँ पे, राजगद्दी में, भाई रहा नहीं, बाप रहा नहीं, 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन ये हटा दे, ये लिख दिया, क्योंकि हर्षवर्धन की कहानी प्रारंभ है बेटा। तो हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं हर्षवर्धन। सर ये तो राजवर्मन का मृत्यु कैसे हो तो बताए, किसका, राजवर्मन का बताया, तो शशांक को छुपा कर लेकर आया, शशांक मार देता है। फिर अब ये हर्षवर्धन की कहानी है बेटा, आगे तुम सुनते जाओ, सब आएगा। हर्ष वर्धन
समझ में आया। ये बैठते हैं 606 से 647 सी में, ठीक है। 606 16 साल के उम्र में क्या बैठते हैं राजगद्दी पे। 16 ईयर एज था जब ये राजगद्दी पर बैठे थे बेटा, ठीक है। 16 साल के उम्र में राजगद्दी पर बैठते हैं। अब बात ये आई कि हर्षवर्धन ने, क्योंकि उस समय जो उनकी बहन थी राजश्री वो अभी जेल में मौजूद थी, हर्षवर्धन ने को पता चला और हर्षवर्धन गए राजश्री को छुड़ाने के लिए, तब पता चला कि उनकी बहन जो है वो तो जंगल में भाग गई, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कहानी आता है कि हर्षवर्धन का दोस्त हुआ करते थे भास्कर वर्मन, ये दोनों ने अलायंस बनाए और अलायंस बना के कहा जाता है। तो देखो हर्ष चरिता में ये नहीं बताया गया है कि शशांक को हारा था कि नहीं हारा था, मेरे बात समझ में आए। लेकिन हारा होगा तभी तो बहन को छुड़ा के लाए, मेरे बात समझ में आ रहा है, हरा तो होगा ही, लेकिन ये चीजें ये स्टोरी बताया नहीं गया है। गड़बड़ हो गई क्या, हाँ ठीक है, तो ये चीजें बताया नहीं गया था, ठीक है ना। तो अब देखो कहानी, अब हम समझते हैं हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन कौन थे, इनके बारे में हमें कहाँ से मिलता है पता, ये चीज़ें जानना जरूरी है जो पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तो इवेंट आप जाने, ठीक है ना। तो इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है बेटा, लिखते जाओ, मधुबन अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, दूसरा बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, ठीक है, तीसरा शोपन का अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, बांसखेड़ा, मधुबन, शोपन, ठीक है। आगे हर्षचरिता किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है बेटा, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। फिर वेन शांग ट्रैवलर थे चाइनीज, इनकी रचयिता है सी यू की, ठीक है। आगे पता चलता है ए होल इंस्क्रिप्शन, समझ में आए। ये है हर्षवर्धन के बारे में जानकारी, ये सारे अभिलेख, मधुबन, समझ में आ रहा है क्या, मधुबन का, बांसखेड़ा, शोपन, हर्षचरिता, बाणभट्ट का, हेनशांग का, सी यू की, ठीक है ना, उनकी किताब है ये, रचना है। और ए होल इंक्रिप्शन किसका है जानते हो, पुलकासिन द्वितीय का, ठीक है ना। यहीं से पता चलता है कि हर्षवर्धन जो है वो पुलकासिन द्वितीय से हार गए थे, आगे ये भी कहानी है, ट्रेजिडी को और एक आएगा, समझ में आए। लेकिन अभी कहानी समझ लो, समझ में आए, ये इनकी जानकारी, ये यहाँ से इनकी जानकारी मिलती है हर्षवर्धन का, ठीक है, हर्षवर्धन का जानकारी, ठीक है। ए होल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वो ठीक है, हटा ले, ये हो गया। अब देखो हर्षवर्धन की अब विस्तार नीति, कहा जाता है कि हर्षवर्धन के अंदर अशोक और समुद्रगुप्त दोनों बसा था, समुद्रगुप्त
दोनों की चरित्र मिलता था। समझ में? हाँ, भंडी। ठीक है, कहा जाता है कि हर्षवर्धन से यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है ना, कि अशोक और समुद्रगुप्त की तरह कैसे हैं ये, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन की जो चरित्र है वो अशोक के साथ भी मेल खाता है और समुद्रगुप्त के साथ भी मेल खाता है।